स्टाइल्स, कॉस्ट्यूम, डायलॉग डिलीवरी, म्यूजिक, एक्टिंग, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. और मतलब पूरे फिल्म में रोलर कोस्टर चलता है, ऐसा लगता है एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगता कि बोर हो रहे हैं या ध्यान हट जाएगा. अभी डायरेक्शन वॉज वंडरफुल. आई वॉज क्वाइट सरप्राइज टू नो कि कंगना ने भी उसमें काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया है. तो आई डोंट नो, शी इज़ गोइंग प्लेसेस, शी हैज़ डन वंडरफुल वर्क, अमेजिंग. 4.5. जैसे आपको लगी, अब सब अभी आपसे बात हो रही थी, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले का बहुत बढ़िया हो सकता था, लेकिन इन्होंने बड़ा जोर दे दिया है प्रोडक्शन डिज़ाइन के ऊपर और कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दे दिया है. और बाद में जो लड़ाई के सीन है उस पर भी इन्होंने जोर दिया, लेकिन लड़ाई के सीन में कम से कम जो दूसरे हाफ में फिल्म और बांधती है आपको, लेकिन पहले हाफ में बहुत बेवकूफ़ियाँ भी हुई हैं. और मैं यही कहूँगा कि लोग देखें फिल्म को, क्योंकि कम से कम एक ऐतिहासिक चरित्र और इतनी जो महान स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रेरणादायी स्रोत रहीं महारानी लक्ष्मीबाई, उनके जीवन के ऊपर है, तो लोगों को जानना चाहिए, परिवार के साथ जाके देखना चाहिए. और मेरे ख्याल से अगर स्क्रीन प्ले इसका बढ़िया होता और डायरेक्शन इसका अगर ठीक ठाक हो गया रहता तो ये इतना सुंदर विषय है, इसके ऊपर एक बहुत ही महान फिल्म बन सकती थी. उस संभावनाओं को जो स्क्रीन प्ले राइटर हैं, जो डायलॉग राइटर हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं, उन लोगों ने उन संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं किया है. वो मूर्खता है, उन्होंने पैसे की और अपनी क्षमता का उपयोग नहीं किया, उसका व्यय कर दिया है बिल्कुल. और लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि लोग जाके फिल्में देखें, और ख़ास तौर से जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि अगर आप किसी देशभक्ति वाली फिल्म कोई करने लगते हैं तो कोई कहना शुरू कर देता है कि साहब ये तो प्रोपेगेंडा है. और आप अगर गले में LGBT का कोई तख्ता लगा के घूमें तो वो बहुत अच्छी चीज़ है. आप हर चीज़ जो है, जितनी भी फिल्में बनती हैं वो फिल्म मेकर का प्रोपेगेंडा ही होती हैं, लेकिन आप देशभक्ति की बात जहाँ हो जाती है उसके ऊपर सब लोग लिखना शुरू कर देते हैं, बहुत सुनाम धन्य समीक्षक लोग. तो ऐसी परिस्थिति में मैं इस फिल्म को इसलिए चाहूँगा कि लोग देखें, और मैं इसको बहुत बुरा नहीं कहूँगा, इसलिए कि भाई कम से कम देशभक्ति की बात हो रही है, कम से कम एक जो योद्धा रही हमारे स्वतंत्रता संग्राम की उनके बारे में बातचीत हो रही है. यही है कि कितनी संभावनाएँ थी, हमने कहानियाँ पढ़ी हैं, सुनी हैं, हमने पुरानी जो फिल्म सौरभ मोदी की थी वो भी देखी है, हमने वो हम जानते हैं उस कविता को, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले और बोलों के मुँह, हम लोग बचपन से हम लोगों के कोर्स में कविता आती थी, हम सब लोग उसके बारे में जानते हैं. तो उस कविता को सुनने के बाद और जो बाकी कथा हम जानते हैं कि किस तरह झांसी की रानी ने तैयार किया, पूरी झांसी को तैयार किया कि हमें लड़ना है, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना है, जो मराठा साम्राज्य या हिंदू पादशाही जो ख़त्म हो गई थी उसको दोबारा रीस्टैब्लिश करना है, और वो सारी भावना थी, वो भावना उनके मन में थी, उसकी तैयारी उनकी लगातार चलती रहती थी. तो योद्धा थी और हर तरीके से हमारे लिए जो है एक बहुत महत्वपूर्ण आइकॉन थी हमारे लिए. तो इस कारण से भी लोगों को जाके देखना चाहिए परिवार के साथ. देखिए, एक फिल्म समीक्षक के नाते फिल्म की गुणवत्ता को देख के अगर मुझे स्टार देना होगा तो शायद मैं बहुत कम स्टार दूंगा, 2.5 स्टार बहुत, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन डिज़ाइन पर बहुत ज़्यादा जोर इन्होंने डाल दिया है, इन्होंने कास्ट्यूमिंग पर बहुत ज़्यादा जोर डाल दिया, जो करने की आवश्यकता नहीं थी बहुत ज़्यादा. और आजकल जो है फिल्में सारी दुनिया में बन रही हैं, पीरियड फिल्में, उसमें जो चालाक निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर हैं इस तरीके से बनाते हैं, खर्चा भी बहुत नहीं आता है लेकिन अपनी बात कह जाते हैं. यहाँ इन्होंने दुनिया भर के खर्चे किए हैं और कुछ उलझुल चीज़ें जो इन्होंने की हैं जो उनको करना नहीं चाहिए था. देशभक्ति को जैसे गाने ही डाल देते जिसमें वो भावना आ जाती, बुंदेले हर बोलों वाली भावना आ जाती, कम से कम जो हमारी जो फोक म्यूज़िक में जिस तरीके से जो है इन दंत कथाएँ चलती हैं, जिस तरीके से वो एक पॉपुलर फिगर हैं, वो जो भावना जो पैदा करते जब आप उनकी कहानी सुनते हैं वो भावना पैदा हो जाती, तो उस वहाँ कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया है. लेकिन फिर भी लोग जाके देखें, कम से कम महारानी लक्ष्मीबाई की फिल्म है, उसी नाम पे जाके कम से कम आप जाके सलाम कहेंगे, सर झुकाएंगे अपने देश के एक महान क्रांतिकारी के सामने, यही बड़ी बात हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही अच्छी लगी मुझे, खास करके कंगना का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि क्वीन फिल्म के बाद मैंने कंगना को फिर से ऐसे अच्छे किरदार में दिखाया. मतलब कि कंगना दिग्दर्शित कर रही थी ये फिल्म तो लग रहा था कि कुछ गलत होगा या कुछ ये होगा, लेकिन उन्होंने पूरी शिद्दत से वो रोल निभाया है रानी लक्ष्मीबाई का, और वो उस किरदार में बहुत ही अच्छी जच रही है, क्योंकि हर शेड उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया है उसमें.
और फिल्म बहुत ही एक दोबारा हम देख सकते हैं, ज़रूर देख सकते हैं। ट्रेलर देख के एक्सपेक्टेशन की फिल्म से खरी उतर पाई? यस यस, खरी उतर पाई है। ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि मतलब इसे ठहराव आया हो या कुछ। एडिटिंग बहुत अच्छी है इसकी, मतलब फिल्माया अच्छी तरह से गया है, वीएफएक्स वगैरह सब काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन हम जब पीरियोडिक फिल्म्स आती है या कोई ऐसी पिछले मतलब इस साल की ना हो, अलग दौर की फिल्म आती है, पीरियोडिक फिल्में आती है, तो हमें उनको अभी अलग दृष्टि से देखना चाहिए। दिग्दर्शक मतलब डायरेक्टर या उनके उनका विजन से देखना चाहेंगे तो वो हम एंजॉय कर पाएंगे। आउट ऑफ 5, 4। मूवी बहुत अच्छी है। मणिकर्णिका के बारे में आप बात कर रहे हो, अमेजिंग मूवी। मैंने इस मूवी के बारे में सिर्फ इतिहास के पन्नों में पढ़ा था कि रानी लक्ष्मीबाई जी क्या थे और उन्होंने कैसे फाइट किया, पर असलियत क्या थी, मीन्स क्या उनके बच्चे को पीछे लगा के जो बोलते हैं मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये जो सब लोग बोलते रहते हैं जब भी कुछ भी ड्रामाज होता है, कुछ भी होता है, कैरेक्टर होता है तो बच्चे आ जाते हैं उसको बोलने के लिए, पर असलियत क्या है ये दिखाने के लिए प्लीज़ आप अपने बच्चों को लेके जाइए मूवी देखने के लिए। बहुत अच्छे से मूवी बनाई है और इसमें 100% जान डाली है कंगना जी ने इस मूवी को जीवित करने के लिए, इस कैरेक्टर को जीवित करने के लिए। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो लगा क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी है उन्होंने स्टार्टिंग से, पर सेकेंड हाफ वॉज रियली अमेजिंग। जो लड़ाई है वो देखने लायक है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच। डायरेक्शन बहुत अमेजिंग था बिकॉज कंगना जी ने फर्स्ट टाइम ये डायरेक्ट की है मूवी और उसमें एक्ट भी किया है, तो कैन यू इमेजिन द इंटेलिजेंट लेवल, क्योंकि जो डायरेक्टर हमेशा कट करता है शॉट को और उन्होंने इसमें एक्ट करके डायरेक्ट किए हैं, तो शी वॉज अमेजिंग, यू नो उसको कोई रोक नहीं सकता। कंगना जी जैसे आगे बढ़ रही है उनको कोई रोक नहीं सकता। बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए, म्यूजिक कैसा? सभी अच्छा था, म्यूजिक अच्छा था, मीन्स हम मुझे कहीं बोर नहीं हुआ मूवी में। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो था, उसकी वजह से मुझे लगा अरे हम आए तो हैं मूवी देखने, क्योंकि मेरा कैसा था कि जो दीपिका पादुकोण का मूवी था अभी जो लास्ट देखा हुआ था हम लोगों ने, नॉट बाहुबली, हाँ पद्मावत, तो मैं पद्मावत के जैसा स्टार्टिंग से ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि पद्मावत के साथ जुड़ने वाला भिड़ने वाला मूवी है करके, बट ये कुछ अमेजिंग मूवी था। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगा पर सेकेंड हाफ वॉज रियली अमेजिंग। प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी। 10। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छी थी डायरेक्शन, कंगना की परफॉर्मेंस कैसी? कंगना का परफॉर्मेंस वाज टू अमेजिंग एंड डायरेक्शन वाज गुड एंड आई थिंक इट्स हर फर्स्ट फिल्म व्हिच शी हैज डायरेक्टेड एंड शी इज गुड एट हर वर्क। कोई ऐसा सीक्वेंस जो आपको हमेशा याद रहेगा और कुछ जो हमेशा बात के रखती है फिल्म? मुझे लगता है व्हेन शी यू नो वो जब बच्चे को उठाती है अपने पीछे बांधती है, देन शी जंप्स ऑन द हॉर्स, आई थिंक दैट हैज टेकन माय हार्ट अवे। म्यूजिक वाज गुड बट एज आई वाज टेलिंग एवरीवन दैट माय फोकस वाज ओनली ऑन द कैरेक्टर नॉट ऑन द म्यूजिक, सो आई थिंक म्यूजिक इज जस्ट एन टॉपिंग ऑन द 4.5। मुझे फिल्म का सेकेंड हाफ ज़्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट हाफ में उन्होंने झांसी की रानी जो है और मणिकर्णिका है उसकी बैकड्रॉप और उसकी बैक स्टोरी को डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगाया, शायद इसलिए कि वो पार्ट लोगों को पता नहीं होगा, वो थोड़ा मुझे थोड़ा स्ट्रेच लगा, लेकिन जो सेकेंड हाफ है वो बहुत ही सुपर्ब है, बहुत सुपर्ब है। मुझे डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा। फिल्म को लेकर के बहुत सारी चर्चाएँ थीं और कंगना पर भी बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या वो डायरेक्शन के कैपेबल हैं या नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक निर्देशक की जिम्मेदारी बहुत ही खूबसूरती से निभाई है। म्यूज़िक के दो गाने मुझे वर्ड नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन मुझे दो गाने बहुत अच्छे लगे जो कि एक देशभक्ति से रिलेटेड गाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वर्डिंग याद नहीं आ रहे हैं। दूसरा मुझे जो अंकिता लोखंडे वाला है वो भी अच्छा लगा वो सॉन्ग, और मुझे अच्छा लगा कि इस मतलब इस फिल्म की गीतकारिता के लिए लिरिक्स के लिए प्रसून जोशी को चुना गया, तो उन्होंने जो फिल्म का मिजाज था, फिल्म में ऐसे ही गाना होना चाहिए, वो उन्होंने उसके साथ में पूरा निभाया है।
मुझे लगता है कि अंकिता लोखंडे को थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर वो डेब्यू है, पर आई एम प्रिटी श्योर कि उनको अपने रोल के बारे में पता होगा, क्योंकि जब इस तरह की कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म होती है तो उसमें बहुत सारे किरदार होते हैं, जैसे वो गौस बाबा हैं या पेशवा हैं, तो हर किरदार को एक डायरेक्टर की वो एक लिमिटेशन भी हो जाती है कि उसको हर किरदार को थोड़ा थोड़ा मतलब एक वो स्पेस देना पड़ता है, स्क्रीन स्पेस। मुझे वही है कि मुझे फर्स्ट हाफ थोड़ा सा उतना ज़्यादा, मुझे लगा कि फर्स्ट हाफ में कहानी में कुछ बहुत ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन कंगना ऐसा लग रहा है जैसे कंगना झांसी की रानी के रोल के लिए ही बनी है। वो इतनी खूबसूरत लगी हैं, और जो उनका जो एक्सप्रेशन है, जब पहले जो है वो लड़की जो है चंचलता वैसा है, फिर देन सटल है, एंड देन वीरांगना के तौर पर जो एक बोलते हैं ना फाइटर के तौर पर, योद्धा के तौर पर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया है जी। स्टार तो अब मैं आपको कल बताऊंगी। फिल्म अच्छी है, क्वीन सच में ही क्वीन है, और पावर परफॉर्मेंस है। सबसे ज़्यादा डायलॉग्स जो प्रसून जी ने लिखे हैं, प्रसून जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। इंटरवल से पहले का जो पार्ट है वो इतना बेहतरीन नहीं लगा, इंटरवल के बाद ऐसा लगा कि सच में हम झांसी की रानी को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम भी इस युद्ध में शामिल हैं, तो ऑडियंस भी खुश हो गई। ऑडियंस में तो सारे क्रिटिक्स ही थे, तो क्रिटिक्स सारे खुश हो गए, और ओवरऑल फिल्म अच्छी है। म्यूज़िक मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, वो एक पार्ट है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल, और डायरेक्टर चेंज हुए, फिर कंगना ने कमान हाथ में ली, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि क्वीन डायरेक्टर भी अच्छी है और आर्टिस्ट भी अच्छी है, और जो एग्रेशन जो है क्वीन का वो कहीं ना कहीं आज हम सब देख पाए। 3। जी बिल्कुल, देश प्रेम की बात आती है तो हर कोई इमोशनल होता है। एक हो जाए भारत माता, हर हर महादेव, भारत माता की जय। मणिकर्णिका फिल्म आप कह सकते हो एक आउट एंड आउट कंगना रनौत की फिल्म है, राइट फ्रॉम द फ्रेम वन टिल द एंड फ्रेम आप कह सकते हो कि पूरी कंगना रनौत की फिल्म है। कंगना रनौत एज रानी लक्ष्मीबाई, शी लुक्स सुपर्ब, लाइक यू नो ऐसे लग रहा है कि हम रानी लक्ष्मीबाई को ही देख रहे हैं, हमको ऐसा फील आ रहा है कि भाई वो जो एक कैरेक्टर था मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई का, वो हमको लग रहा था कि हम साक्षात मतलब कंगना में देख रहे थे, क्योंकि ये एक शो लुकिंग ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, इसमें इतने लुक वाइज भी इतनी अच्छी लग रही थी। जो उन्होंने ट्रेनिंग लिया है घुड़सवारी का, फिर अगर आप कह सकते हैं कि तलवारबाजी का जो उन्होंने मतलब जो ट्रेनिंग वगैरह ली थी, ऐसे लग रहा था कि वो रानी लक्ष्मीबाई हैं। तो वो पार्ट में यू कैन से कि रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में कंगना रनौत लुक्स टू गुड। इन फैक्ट डायरेक्शन वाइज की अगर बात करते हैं हम, तो डायरेक्शन अगर कहो तो ये पहली फिल्म है कंगना रनौत की, और जिस तरह मैग्नम ओपस कह सकते हैं, ये हिस्ट्री फिल्म होती है, तो जो बहुत ही एक्सपीरियंस डायरेक्टर थे वही इस चीज़ में हाथ डालते हैं, और या अगर वो इस तरह का कुछ काम निकाल सकते हैं तो वो वाइज भी कंगना रनौत को आई गिव अ गुड मार्क्स फॉर इट। लाइक उन्होंने ये जो डायरेक्शन किया है वो भी बहुत ही लाजवाब है, इनफैक्ट कह सकते हैं। हाँ, इंटरवल के पहले फिल्म थोड़ी सी स्लो जा रही थी, थोड़ी ड्रैग हो रही थी, ऐसा लग रहा था कहीं पर पिकअप हो रहा था, फिर वापस से थोड़ा ड्रॉप हो रहा था, मगर ऐसा लग रहा था कि वो स्टोरी को थोड़ा डेवलप करने चाह रहे थे, तो अक्सर वो थोड़ा उसमें वक्त लगता था। लेकिन फिल्म इंटरवल के बाद आफ्टर शी बिकम्स द क्वीन, उसके बाद जो पिकअप कर रहा है, तो आई थिंक सो वो बहुत ही अच्छा है। और हमें तो बस हिस्ट्री में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, लेकिन इसमें मतलब कि वाराणसी में वो पाई जाती है, झांसी में कैसे आती, झांसी की वो रानी कैसे बनती है, उसके बाद वो जो लड़ती है, जैसे कहते हैं ना कि एक्चुअली हिस्ट्री में कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वो हम एक्चुअली उसमें कंगना को वी कुड सी दैट थिंग एक्चुअली ऐसा है। तो अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम यू कैन से कंगना रनौत है। और अंकिता लोखंडे की हम बात करेंगे तो उनकी डेब्यू फिल्म है, छोटा बिट्स एंड पीसेज में रोल है, बट वेर शी हैड कम लाइक शी इज़ ऑल्सो गुड। हम फिर बात करेंगे मिष्टी मुखर्जी की, शी वॉज ऑल्सो गुड। डेनी साहब का काम इंटरवल के पहले मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कम था, लेकिन इंटरवल के बाद एज गौस खान लाइक ही वॉज टू गुड। जिशान अयूब है,
उनका परफॉर्मेंस, तो ही इज़ अ फाइन एक्टर, तो वो भी उनका भी बहुत ही अच्छा काम है। जैसे हमको पता है कि हिस्ट्री में अंग्रेज़ों ने हमको कभी हमेशा रिलीजन या डिवाइड एंड रूल या हमारे जो राजा महाराजा थे उस वक्त जो रूल कर रहे थे, कभी भी उन्होंने हमारे को यू नो देश मतलब उन्होंने अलग किया है, तो हमारे ही लोग थे जो गद्दार थे और उसी की वजह से हमको इतने साल लग गए अंग्रेज़ों से आज़ाद होने में, तो वो एक है। और जैसे डेफिनेटली आप कह सकते हो कि जो खास करके तो कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो फाइट करती है, एक खास करके इंटरवल के हाफ एन आवर जहाँ पर वो लाशों की ढेर लगा देती, वो तो बहुत ही टेरिफिक था इनफैक्ट। लेकिन वो कुछ फाइट्स और लास्ट के स्पेशल एक जो फाइट्स होती जहाँ पर वो एक बहुत ही जोश में, तो ऑल दोस थिंग आई रियली एंजॉयड, लाइक मुझे तो मज़ा आई। खाली इतना था कि स्क्रीन प्ले वुड हैव बीन बेटर, एडिट वाइज इसको और अच्छा किया जा सकता था तो और अच्छी फिल्म हो सकती थी वो। बट इट्स 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, पेट्रियाटिक माहौल है, फिल्म भी एक पेट्रियाटिक है, तो डेफिनेटली आई वुड टेल द ऑडियंस कि ये एक टाइम तो देखना ज़रूर है फॉर कंगना एंड फॉर द सब्जेक्ट इटसेल्फ। मैं फिल्म को ऐसे तो 3 स्टार दूंगा ऐसे, पर कंगना के लिए, उसके डायरेक्शन के लिए, लुक के लिए और ये फिल्म अटेम्प्ट करने के लिए 0.5 तो 3.5 कर देता हूँ मैं।